अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, मैं बहुत बहुत आभार या धन्यवाद करना चाहूंगा महान गंगाराम जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम खंडवा में किया। उनका स्वागत ऐसे ही करोगे क्या? ताली नहीं बजाओगे मान जी के लिए? प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, मैं कभी आस्तो कभी नस्तो, इतना खंडवा, अभी अगले जन्म में मैं खंडवा में पैदा होगा तो मुंबई में पैदा होगा। मैं सबसे पहले महान गायक स्वर्गीय किशोर दादा, इन्होंने मेरे को भी स्वर्गीय बना दिया, वाह, किशोर दादा की जन्मभूमि खंडवा को मैं प्रणाम करता हूं। और जिनकी बदौलत से मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है, हम सभी के चहेते महंत गंगाराम जी को प्रणाम करता हूं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत आभारी हूं आपका, आपने मेरे कहने पे ताली बजाई, मेरी इज्जत रखी थोड़ी सी बची थी। महंत जी का फोन आया, महंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपको खंडवा आना होगा, माता के लिए प्रोग्राम हो रहा है। मतलब और कौन आ रहे हैं? बोले अमित शाह जी। बोले अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा, उनका धन्यवाद कहूंगा मैं 370 के लिए, और राम मंदिर बनाया उन्होंने उनका धन्यवाद करता हूं मैं अमित शाह जी का। अरे अमित शाह जी नहीं, अमित शाह पटेल जी आ रही है। बोले ठीक है, अभी कहां है अमित शाह जी, कहां है? उन्होंने कहा देश का बंटवारा हो गया, वो पाकिस्तान चले गए, सनी देओल उसके पीछे जा रहा है। फिर वहां जाके गाना गाई थी, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अमित शाह जी वहां चली गई, उनके पीछे एक महान धार्मिक कलाकार चला गया, स्वर्गीय अमरीश पुरी जी। ओए सबको सकीना, कमाल कमाल के लोग हम लोग फिल्में देखते हैं। मैं चाहूंगा शुक्रगुजार के लिए माता जी के लिए जोरदार ताली इसलिए हो जाए क्योंकि कोरोना से हम लोग थोड़ा अभी फ्री हो गए हैं। इतना टेंशन था सबको, घर में बैठे थे कोरोना की वजह से, बालकनी से देख रहे थे एम्बुलेंस जा रही है, झांक रहे थे, कौन गया गया, अरे बाप रे मैं बच गया बाबा, मैं बच गया रे भाई। बाहर निकल रहे कुछ लेने के लिए, पुलिस वाले भाई खड़े थे, ये मार दिया खपा। दूर से देख रहे थे पुलिस वाले सीटी बजा बजा के, ऐसी हालत से हम बाहर निकले हैं। कोरोना के बाद एक और बीमारी आ गई जिसका नाम है पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं झुकेगा नहीं साला, फिल्म में बोला मैं झुकूंगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में झुका हुआ है। और उसके बाद गाना आया, मां क्या मां अंटे बाबू मामा, रा अंटे राम मामा, ऐसे में भीख मांग रहे स्टेशन पे, राने रा फिर उसके बाद एक बीमारी आई, कच्चा बादाम बादाम बादाम, अरे जिनको मूंगफली खाने की भी औकात नहीं वो भी कच्चा बादाम 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 बादाम, एक से एक हालत खराब हो गई भाई, क्या करें? ऐसी स्थिति में हम लोग टीवी लगाते हैं कुछ देखने के लिए, उसमें नेता लोग आ जाते हैं, टीवी देखिए आप, टेलीविजन पर ऐसे ऐसे नेता लोग आते हैं अपने अपने अंदाज में वो भाषण देते हैं, हम लोग देखते हैं। आजकल लोग फिल्में कम देख रहे हैं लेकिन न्यूज ज्यादा देख रहे हैं, कैसी कैसी न्यूज आ रही देखिए, मंत्री जी आते हैं, कोई आते हैं, क्या बोलते हैं, कमाल कमाल की आवाजें हैं। नेता लोगों को मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं सभी नेताओं का बहुत बहुत
फैन हूं, हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं हर पार्टी के मुझे बहुत पसंद है। अभी शिवराज सिंह मामा को देखिए, इतनी प्यारी आवाज। बोलो नर्मदा मैया की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो, त्रिपुरा मैया की जय हो। खंडवा में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा रे। खंडवा के जितने भी मेरी भांजिया है भांजे हैं सबको मैं बहुत बहुत आभारी देता हूँ, और महंत गंगाराम जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए दर्दा ताली बजा रहे। और वहां से आवाज नहीं आ रही है, सामने से आवाज ताली बजाओ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी जी ने भी फोन करके बधाई दी, मोदी जी का भी फोन आया था। प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, मैं बहुत बहुत आभार या धन्यवाद कहना चाहूंगा महंत गंगाराम जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम खंडवा में किया। उनका स्वागत ऐसे ही करोगे क्या? ताली नहीं बजाओगे महंत जी के लिए? प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, मैं कभी आस्तो कभी नस्तो, इनके पीछे अभी देखिए कई जगह नेता लोग आ रहे, कई जगह। अभी आप लोग, मैं एक बार शो देख रहा था मिथुन चक्रवर्ती साहब का डांस इंडिया डांस, जिसमें मिथुन